रोहित शर्मा ज्वाइन करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स को। ये एक नई खबर है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जी हाँ, अगर रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा 2025 सीजन से दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन कर लेंगे। 2025 आईपीएल जो ऑक्शन होगा वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स में वो जाएंगे और 2025 में वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे। अब देखिए, ये सारी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई जब रोहित शर्मा स्पॉट हुए थे दिल्ली के जो को ओनर हैं दिल्ली कैपिटल्स के पार्थ जिंदल और दिल्ली कैपिटल्स में जो मैनेज करता है जेएसडब्ल्यू के डायरेक्टर आज जिंदल के साथ ऋषभ पंत के साथ रोहित शर्मा बात करते हुए दिखे थे बीच मैदान पे। हालांकि रिपोर्ट ये भी बताई जा रही है कि जब ये खबर आई थी कि हार्दिक पांडे को कैप्टन बनाया जा रहा है तभी दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें ऑलमोस्ट साइन करने की पूरी प्रतिक्रिया पूरी भी कर दी थी और दिल्ली कैपिटल्स को वो ज्वाइन करने वाले थे। रोहित शर्मा ने हाँ भी कह दी थी ज्वाइन करने के लिए रोहित शर्मा को, पर मुंबई इंडियंस ने जो ट्रांसफ़र फ़ी मांगी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो दिल्ली कैपिटल्स अफोर्ड नहीं कर पाई, इसलिए ये डील पूरी नहीं हो पाई। वरना आपको रोहित शर्मा इसी सीज़न दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते, पर अब बात ये कही जा रही है कि अगला सीज़न जो मेगा ऑक्शन है उसमें दिल्ली कैपिटल्स मोटा पैसा खर्च करने वाला है रोहित शर्मा पे और रोहित शर्मा की जो पसंदीदा टीम है इस टाइम पर वो शायद दिल्ली कैपिटल्स हो सकती है। अब रिपोर्ट्स हैं ये, हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई कंफर्मेशन नहीं आया ना ही पार्थ जिंदल की तरफ से ना ही कहीं से, पर ये रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स ये बहुत ज़्यादा हद तक सही मानी जा रही है क्योंकि पार्थ जिंदल ने ये तक कहा हुआ है कि अगर हमारी फ्रेंचाइज के लिए रोहित शर्मा ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई होती तो हमने तो पूरा जो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है उसको चेंज कि रोहित शर्मा स्टेडियम नाम दे दिया होता। आप कैप्टनसी से हटाना तो बहुत दूर की बात है, मुंबई इंडियंस ने बहुत गलत किया है। हमारे साथ अगर रोहित शर्मा खेलते तो ये सीन तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि क्या रोहित शर्मा का दिल्ली कैपिटल्स में जाना सही बात रहेगी और क्या आप उनको दिल्ली कैपिटल्स की उस जर्सी में देख सकते हैं या नहीं।